अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मिस इकरा असलम, क्लास फाइव नाजरा, वन बी वर्कशीट, सब्जेक्ट SSG। अच्छा, हमारे पास जहाँ तक हमने काम वाइंड अप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने नेक्स्ट पेज में टाइटल पेज बनाना है मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। उसके बाद आपने करना है, उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर शायद मैंने आपको वर्ड्स में करवा दिए थे, इसके बाद से कंटिन्यू करूँगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बाकी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, ठीक है। आपके पास पहला है, आपने पहला क्वेश्चन उतारना है, फिर आपने क्वेश्चन का आंसर करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज में शॉर्ट नोट करना है कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स करने हैं आपने, फिर आपने एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी बुक और कॉपी दोनों में होगी, पहले आप बुक में लिख करोगे, फिर आपको वहीं से बुक से देख कर कॉपी डाउन करोगे, ठीक है, पेज नंबर 77 पे। फिर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको बुक में भी करने और कॉपी में करने, दोनों में करने, पेज नंबर यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। और पहले आप बुक में लिखोगे इसके आंसर, फिर बुक से पूरा कॉपी करोगे। अच्छा, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है। हैवी इंडस्ट्री में क्या होता है कि लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होती है, जबकि लाइट इंडस्ट्री में बहुत कम मनी रिक्वायर्ड होती है। दे प्रिपेयर प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वान्टिटी, और यहाँ हैवी इंडस्ट्री में जो मतलब जो भी चीज़ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो लार्ज क्वान्टिटी में बनते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर स्मॉलर क्वान्टिटी बनते हैं लाइट इंडस्ट्री में। अब क्या, द वर्कर्स आर यूजली स्किल्ड, ठीक है, देयर इज़ अ मिक्स वर्क फॉर सम आर स्किल्ड एंड सम अनस्किल्ड, ठीक है। लाइट इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं मतलब जो काम करने वाले होते हैं वहाँ पे मतलब कोई अच्छा काम करता है जिसकी कोई स्किलनेस होता है और कोई स्किल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री में क्या होता है कि वहाँ पे वर्कर्स स्किल्ड होते हैं, मतलब अच्छा ट्रेन होते हैं, अच्छी वर्कर अपना अंजाम देते हैं। अच्छा, कॉटन इंडस्ट्री बहुत पाकिस्तान में फेमस है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। द मेन सेंटर्स ऑफ द ऑफ दिस इंडस्ट्री आर इन कराची, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो मेन सेंटर्स है कॉटन इंडस्ट्री का वो हमारे कराची में है, फैसलाबाद, लाहौर और हैदराबाद में, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस इन अबंडेंस, द कॉटन इज पिक टेकन टू फैक्ट्रीज टू टर्न इंटू थ्रेड विच इज़ यूज टू मैनुफैक्चरिंग क्लोथ। कॉटन इज़ द मेन कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान टू फॉरिजन एक्सचेंज, ठीक है, कॉटन बहुत मेन कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप होता है, नेक्स्ट सेशन में आपको वर्कशीट दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। यहाँ पे वन बी में जैसे वर्कशीट में काम किया है बिकॉज एज इट इज़ ऐसे ही आपने काम करना है, ठीक है। थैंक यू।